कन्नौज में सतवास रोड पर तहसीलदार महोदय का एक प्रतिवेदन आया था कि मुकेश पिता गट्टू के द्वारा शासकीय भूमि पर जो 1600 वर्ग फीट है उस पर अतिक्रमण का ढाबा चलाया गया है। इसकी तस्दीक कराई तो ये अवैध दारू भी बेचता था और इसके भाई राकेश संदीप और इसके पिता गट्टू के खिलाफ कन्नौज थाने में कई चोरी के, मारपीट के और आम सीट के प्रकरण भी पंजीबद्ध है। तो तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आज थाना प्रभारी कन्नौज, खातेगांव, सतवास, नेमावर और एसडीओपी ज्योति उमट और तहसीलदार नागेश्वर पनिका की टीम के द्वारा जाकर मुकेश के द्वारा जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था उसको ढहा दिया गया और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल के मार्गदर्शन में माफिया अभियान के तहत यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।